नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 13.1 का तीसरा प्रश्न हम करने जा रहे हैं। प्रश्न है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इसका मतलब समझिए बच्चों कि हमारे पास एक खिलौना है शंकु के आकार का, लेकिन वह एक अर्धगोले पर, इस प्रकार के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यह मान लीजिए कि अर्धगोला है, ठीक है, और इसी के ऊपर शंकु आकार खिलौना है। और यह इस प्रकार से यह एक शंकु है, ठीक है बच्चों। तो यह अर्धगोला है और उसी के ऊपर एक शंकु है बच्चों, ठीक है। अब प्रश्न के हिसाब से त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु, त्रिज्या 3.5 यानी यह जो त्रिज्या है यह 3.5 है। उसके बाद इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, यानी यहां से लेकर और यहां तक कुल नीचे तक यह है 15.5 सेंटीमीटर। तो इसमें से बच्चों ये कितना होगा, जितनी है त्रिज्या 3.5 है, यही त्रिज्या ऐसे घूम के इधर आई है, यानी यह ऊंचाई हो गई 3.5 ये वाली। तो बाकी ऊंचाई यानी ये जो ऊपर शंकु है इसकी ऊंचाई कितनी होगी, यहां से लेकर और यहां तक। तो 15.5 में से 3.5 माइनस कर देंगे, बाकी ये ऊंचाई आ जाएगी इस शंकु, ऊपर वाले शंकु की, ठीक है बच्चों। नीचे क्या है, अर्धगोला, जैसे कटोरी होती है, ठीक है, नीचे अर्धगोला है ऊपर शंकु। अर्धगोले की तो त्रिज्या 3.5 है, टोटल हाइट 15.5 है, तो 15.5 में से 3.5 माइनस कर तो वो आ जाएगी इस ऊपर वाले शंकु की ऊंचाई, जो कि हो जाएगी 15.5 में से 3.5 निकाला तो बाकी बच गया 12। तो यानी शंकु की ऊंचाई आ गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। आशा करता हूं इस आकृति को आपने अच्छे से समझा होगा। आइए अब हम इस प्रश्न को आगे शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहां हम लिख देंगे शंकु की ऊंचाई बराबर 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से अब हमें शंकु की तिरेक ऊंचाई भी निकालनी होगी। ये होती है शंकु की तिरेक ऊंचाई, शंकु की तिरेक ऊंचाई। बच्चों याद रखना, ये शंकु है, इसमें ये होती है इसकी सिंपल ऊंचाई h, और ये तिरछी वाली होती है इसकी तिरेक ऊंचाई l, और l का जो फार्मूला है तिरेक ऊंचाई का वह होता है रूट आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। तो इसे हम हल करेंगे, रूट आर स्क्वेयर, आर है 3.5 का होल स्क्वेयर, प्लस एच, इसकी ऊंचाई थी एच थी 12, इसका होल स्क्वेयर। तो देखो बच्चों, ये आ गया रूट 3.5 का जब होल स्क्वेयर निकालोगे आप तो वह होगा 12.25, और 12 का स्क्वेयर होता है 144, इसको जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 156.25, और 156.25 का आप रूट निकालेंगे तो आपके पास एल आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। 156.25 का आप रूट निकाल के देख सकते हो बच्चों, वह 12.5 आएगा। यहां से इस शंकु की तिरेक ऊंचाई एल हमें पता लग गई है 12.5 सेंटीमीटर। यह अब आगे हमारे कहीं ना कहीं काम आएगी। तो आइए अब हम प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चों हमें निकालना क्या है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम ये लिखते हैं यहां पे, खिलौने
का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों वह किसके बराबर होगा? वह होगा इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बच्चों अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और अपना उत्तर निकालेंगे। देखिए बच्चों ये हो जाएगा 2 into π। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई तो 22/7 यूज करनी है, दी होती तो हम वही वैल्यू यूज करते। आगे है आर स्क्वेयर, आर है 3.5 का होल स्क्वेयर यानी 3.5 गुना 3.5 प्लस ये क्या है बच्चों, ये है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² को हमने खोल दिया है। इसके बाद हमारे पास है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जिसका फार्मूला होता है πrl। ठीक है बच्चों पाई की वैल्यू नहीं दी हुई तो 22/7 गुना आर, आर है 3.5 गुना एल, एल बच्चों हमने अभी यहां निकाला देखिए 12.5 और यह सेंटीमीटर स्क्वायर में कुल क्षेत्रफल आएगा। तो आइए बच्चों इसके हल करते हैं। अब बच्चों इसमें देखिए 22/7 इस ब्रैकेट में भी है, 22/7 इस ब्रैकेट में भी है, इसको ले लेते हैं हम कॉमन गुना 3.5 यहां भी गुना हो रहा है, 3.5 यहां भी हो रहा है, इसको भी ले लेते हैं हम कॉमन। बाकी हमारे पास बच गया देखिए 22/7 बाहर चला गया, 3.5 बाहर चला गया, बाकी रह गया 2 गुना 3.5 जो कि हो जाएगा 3.5 गुना 2 = 7 प्लस 22/7 बाहर चला गया, 3.5 बाहर चला गया, बाकी रह गया 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों देखिए ध्यान से 3.5 में से दशमलव हटाएंगे तो नीचे लग जाएगा 10, 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 10, 2 से 22 कट जाएगा 11। इसका अर्थ क्या है, इस सारी की काटा पीटी करके हमारे पास क्या बच गया 11 गुना यहां से बच्चों हमारे पास क्या बचा था 7 + 12.5। इसको प्लस कैसे करते हैं बच्चों, दशमलव के नीचे दशमलव, 7 के साथ दशमलव नहीं है तो ये होगा 7.0, दशमलव के नीचे दशमलव रख के प्लस करते हैं, ये आ गया 5 + 0 = 5, दशमलव के नीचे दशमलव, 12 और 7 = 19, इनको प्लस करके यानी 7 और 12.5 को प्लस करके हमारे पास आया है 19.5 और 19.5 को देखो 11 से गुणा करना, 11 × 5 = 55 हासिल आया 5, 11 × 9 = 99 और 5 = 104 हासिल आया 4, बाकी रह गए 10, 11 × 10 = 21, दशमलव के बाद एक अंक था, दशमलव के बाद एक अंक यानी बन गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों इसका मतलब क्या है कि यही हमारे से प्रश्न में पूछा गया था, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये प्री के बाद गोला यानी पृष्ठीय क्षेत्र के बाद गोला यानी क्षेत्रफल बराबर है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और बच्चों यही हमारा उत्तर है। तो बच्चों देखा हमने क्या किया है, इस प्रश्न में हमने देखा कि अर्धगोले के ऊपर एक शंकु था, तो अर्धगोले की त्रिज्या थी 3.5, कुल ऊंचाई थी 15.5, उसमें से 3.5 माइनस कर दो तो शंकु की ऊंचाई आगी 12 सेंटीमीटर और शंकु की बेटा ये एक होती है यह सीधी ऊंचाई, इसको कहते हैं h,
एक शंकु में होती है तिरछी ऊंचाई, इसको कहते हैं तिरक ऊंचाई, जो होती है एल। एल का फार्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है जी। उस हिसाब से हमने एल निकाल दिया, हमारे पास एल आ गया 12.5 सेंटीमीटर। खिलौने का पूर्ण संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? ये जो नीचे अर्धगोला था इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, प्लस ऊपर जो शंकु था यह वाला, यह इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr², शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πrl। तो इन फार्मूलाज को यूज किया, जो कॉमन आता था कॉमन लेके हमने इसको सॉल्व करके ये निकाला कि हमारे पास खिलौने का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आया है 214.5 cm². आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को भी समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप वहां पर अन्य प्रश्नों के वीडियोस देखकर उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।